गाइस तो अब हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंजाइम्स का जो है छह अलग अलग टाइप्स में किया गया है। सबसे पहला एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाए या रिडक्शन करवाए। ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हट रहा है तो इसलिए हम इसको डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी कहते हैं। ये हाइड्रोजन को हटाता है या हाइड्रोजन को ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम की बात करें तो यहाँ पर एक चीज रिड्यूस होगी, दूसरी चीज ऑक्सीडाइज होगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें यहाँ पर चीजें जो है अलग अलग, हमें यहाँ पे एक जगह पे एक सब्सट्रेट पे रिडक्शन, एक पे हम लोग को ऑक्सीडेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। अगला हो गया ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करवाता है, ये ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ करके जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उनको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसका आप साइड में एग्जांपल दे सकते हो, ए बी प्लस सी था तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी सी हो गया, बी को उठा करके सी के साथ जोड़ दिया और ए से अलग कर दिया। फिर इसके बाद हम बात करें अगला एंजाइम है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज ट्रांसफरेज नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसफर करने वाला। हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिसिस करने वाला, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, नहला देना है, पानी डाल देना है। तो हाइड्रोलेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करवा देता है, मतलब कि वो क्या करेगा, वो पानी से नहला देगा। तो जैसे यहाँ पे कोई चीज है ए बी, उसमें जैसे आपने H2O डाला तो क्या हो गया, ए ओ एच बन गया, बी एच बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पानी से नहला दिया गया। दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलेज। लाइस की बात करें तो लाइस का मतलब होता है कि ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, लाइसिस का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप्स को रिमूव करेगा, ठीक है, ग्रुप्स को रिमूव करेगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पर क्या है XCCY, या मैं यहाँ पे बात करूं RCOCOOH, तो यहाँ से क्या किया इसने, RCOH को एक तरफ कर दिया और CO2 को क्या करा, अलग कर दिया। इसने मेन मेन ग्रुप्स को क्या करता है, अलग करता है, हटाता जाता है। अगला यहाँ पर एंजाइम है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज नाम से समझ में आ रहा है, आइसोमेरिज्म करवाता होगा, मतलब ये क्या करवाएगा, ये यहाँ पर आइसोमेरिज्म करवाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज करवाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला जो है वो क्या रखेगा, सेम रखेगा। जैसे कि एबीसी डाई में कन्वर्ट हो गया, बीसीए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करूं लाइगेज की, लाइगेज का काम होता है बेटा जोड़ना। ये क्या करता है, दो कंपाउंड को लिंक करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक्स प्लस वाई काय में हो जाएगा कन्वर्ट, एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। एडीपी में क्या होगा, एडीपी में फॉस्फेट आयन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, लाइगेज क्या करवाता है, दो कंपाउंड को जोड़ने का काम करता है। तो This is all about the nomenclature and the classification of enzyme. अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं cofactors के बारे में। cofactors की अगर मैं बात करूँ तो ये enzyme का मैं बात करूँ तो ये non proteinase constituent होता है। किसी भी enzyme में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, non protein part लगता है और वही non protein यहाँ पर क्या करता है, वही non protein यहाँ पर है cofactor। ये नॉन प्रोटीन पार्ट जब तक उस प्रोटीन पे यानी कि एंजाइम पे नहीं लगेगा तब तक एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, वो कैटालिटिकली एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको हमने कह दिया एक्वाएंजाइम। एक्वाएंजाइम में जैसे कोफैक्टर लगता है तो कोफैक्टर लगते ही वो एंजाइम एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव एंजाइम अब यहाँ पर कहलाता है होलो एंजाइम, ठीक है। तो एक्वाएंजाइम क्या है, एक्वाएंजाइम इज द इनएक्टिव एंजाइम, या मैं कह सकता हूँ एपोएंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का प्रोटीन पार्ट क्या है, एपोएंजाइम। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर एंजाइम फॉर्म हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा और ये यहाँ पर कहलाएगा होलो एंजाइम, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ एंजाइम में से कोफैक्टर हटा दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, होलो एंजाइम काम करना बंद कर देगा और वो एपोएंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाएगा। खैर दिस इज क्वाइट क्लियर, इजी चीज है, तो यहाँ टेंशन लेने वाली बात। Now let's discuss the types of cofactors. Cofactors यहाँ पर तीन types के mainly होते हैं, prosthetic group होता है, coenzyme और metal ions होते हैं। Prosthetic group की बात करें तो ये organic होते हैं और ये apoenzyme से बहुत ज़्यादा tightly bind होते हैं। जैसे कि हम example के तौर पे बात करें heme की, तो heme क्या है, heme peroxidase से क्या होता है, बहुत ही compactly, बहुत ही tightly क्या हो जाता है, bind हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही वो catalase में भी क्या होता है, बहुत ही tightly bind होता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये H2O2 का ब्रेकडाउन करवाता है वाटर में और O2 में, ठीक है।
फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कोएंजाइम के बारे में। कोएंजाइम की हम बात करें तो ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, इनमें ट्रांसिएंट बाइंडिंग होती है एपोएंजाइम। एपोएंजाइम से क्या होती है कि ट्रांसिएंट बाइंडिंग होती है। अब आप यहाँ पर अगर बात करें तो ट्रांसिएंट एंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसिएंट एंजाइम क्या होता है अगर आप लोग सोच रहे हो तो। बेटा ट्रांसिएंट एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसिएंट एंजाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसिएंट मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ट्रांसिएंट जो है मतलब आप कह सकते हो ट्रांजिएंट आप कह सकते हो बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ टेम्पररी नॉट परमानेंट। ठीक है, तो ट्रांजिएंट बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है एपोएंजाइम से ट्रांजिएंट बाइंड होता है, मतलब बहुत ही टाइटली बाउंड नहीं है, ये कभी भी अलग भी हो सकता है और ये वापस जुड़ भी सकता है। बहुत सारे कोएंजाइम जो है जैसे इनमें क्या होता है वाइटामिन होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल की तौर पर बात करूँ तो नियासिन एक वाइटामिन बी का टाइप है, इसमें हमें एनएडी और एनएडीबी क्या होता है देखने को मिल जाता है और ये ट्रांसिएंटली बाइंड होता है। नाउ फर्दर टॉकिंग अबाउट द मेटल आयंस, तो मेटल आयंस क्या है दरअसल ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं साइड चेन के साथ। साइड चेन यहाँ पर क्या होती है जो एक्टिव साइट होती है ना उसके साथ उसकी साइड चेन पे क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड साथ में बना लेते हैं एक सबस्ट्रेट के साथ। तो ये क्या करेंगे ये एक्टिव साइट के साइड चेन से और सबस्ट्रेट से क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये ऑब्वियसली बात है ये ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जिंक क्या है, जिंक एक कोफैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के केस में विच इज वन ऑफ दी एंजाइम्स। और इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब हम लोग इसी के साथ में आप लोगों से थैंक यू कहूँगा एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद आवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।